أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترم حضرات و آج فتن دارمي फ़ितने की पहचान और उससे बचाव के सिलसिले में बयान चल रहा है इस सिलसिले में अभी आपके सामने सुरत अम्बिया की आयत नंबर पैंतीस पढ़ी गई अल्लाह ने फरमाया व बिशर्र लुम फितना व वितना वना तुरजाउन हम तुम्हें आजमाएंगे शर और ख़ैर बुराई और अच्छाइयों के ज़रिए से तुम्हारी आजमाइश होगी वो इलाना तरज और तुम सारे के सारे हमारी तरफ लौटाए जाओगे हजरात आजमाइशों में से एक आजमाइश खैर व शर का फितना है फितनों में से एक अहम फितना शर और ख़ैर का फितना है शर का फितना बहुत आसानी के साथ समझ में आता है अलबत्तः ख़ैर के ताल्लुक़ से लोग परेशान रहते हैं कि जब अच्छी हालत में होते हैं, नमतों में होते हैं तो उस वक्त को आजमाइश तसवर करना या उसको फितना समझना ये इंसान की समझ में नहीं आती है इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई पैराए में फरमाया कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं वो कलील उम्मिन इबादिया शकूर मेरे शुक्रगुज़ार बंदे बहुत कम हैं कौली तशकुरून तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो क्या मतलब है शुक्र कब होता है अल्लाह की अच्छी चीज़ों अल्लाह की नेमतों पर अच्छी हालतों पर खैर पर शुक्रिया अदा करना शर पर सब्र करना और खैर पर शुक्र करना लेकिन अल्लाह ने कहा कि बहुत कम लोग शुक्र करने वाले होते हैं मेरे बंदों में से बहुत कम बंदे शुक्रिया अदा करने वाले होते हैं क्या मतलब है अच्छी हालतों में अच्छी हालतों को फितना तसवर करने वाले लोग बहुत कम हैं और ये एक बहुत बड़ी हकीक़त है कि लोग बुरी हालतों में तो फितने को भापते हैं तसवर करते हैं महसूस करते हैं लेकिन अच्छी हालतों में फितने को तसवुर नहीं कर पाते हैं आइए मैं आपको आज बताऊं कि खैर का फितना क्या होता है खैर का फितना अच्छाइयों का फितना फितनातुल खैर का है हजरात फितना खैर इसको समझने से बहुत सारे लोग कासिर रहते हैं कलील अमिन इबादिया शकुर खलील उमिन इबादिया शकुर अच्छी हालतों को फितना तसुर करने वाले लोग बहुत कम हैं जबकि अल्लाह ताला ने बारहा कहा। में भी अल्लाह ने फरमायांबर एक सौ अठसठ में अल्लाह ने फरमाया बिल हसनत व बनी इसराइल का तस्करा करने के बाद कहा कि हमने उनको आजमाया हसनात से भी सत से भी अच्छाइयों से भी आजमाइश हुई बुराइयों से भी आजमाइश हुई बुराइयों की आजमाइश बुराइयों का फितना समझ में आता है लेकिन अच्छाइयों की आजमाइश क्या है अच्छाइयों का फितना क्या है इसको रिकग्नाइज करने में इंसान चूक जाते हैं इबादिया शकोर हजरात अल्लाह ताला की आजमाइशों में से यह तरीका इंसान की जिंदगी में हमेशा लगा रहता है कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है लेकर भी आजमाता है अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है महरूम करके छीन कर भी आजमाता है अल्लाह मालामाल करके भी आजमाता है महरूम करके भी आजमाता है अल्लाह दौलतों का अंबार और भरमार देकर भी आजमाता है और साथ ही साथ अल्लाह तबरक नेमतों को छीन कर भी आजमाता है अल्लाह ताला आलो औलाद देकर भी आजमाता है आलो ओलाद को छीन कर लेकर भी आजमाता है अल्लाह ताला दौलतों को देकर भी आजमाता है दौलतों को छीन कर भी आजमाता है अल्लाह तबरक बेहतरीन अहदा और मनसब देकर भी आजमाता है छीन कर भी आजमता है अल्लाह तला सेहत व देकर भी आजमाता है छीन कर भी आजमाता है लेकिन छिन जाने पर आजमाइश को तो हम तस्वर करते हैं रिकगनाइज करते हैं लेकिन नमतों के मिलने पर नमतों के हसूल पर आजमाइश इसको हम रिकॉगनाइज नहीं कर पाते हैं जबकि अल्लाह का यह तरीका है अल्लाह बहुत देकर आजमाता है बहुत नवाज के आजमाता है और ये बड़ी सख्त आजमाइश होती है बड़ा कठिन होता है ये फितना बड़ा कठिन होता है और इसको जो लोग समझ नहीं पाते भाप नहीं पाते और अल्लाह की नेमतों का शिक्र अदा ना करते हुए मगन रहते मस्त रहते हैं ऐसे लोग गोया अल्ला के अल्लाह के आजाब में मुबला हो चुके हैं उनको एहसास नहीं है और इसी को कुरान अल्ला ने अल्लाह के कानून इस्तेदराज करार दिया कानून इस्तेदराज अल्लाह के आजाब के तरीकों में से एक तरीका होता है ज यानी अल्लाह ढील देता है मोहल्लत देता है छोड़ देता है मौका देता है अल्लाह ने इसको नंबर छ और आयत नंबर चवालीस में बयान फरमाया फलम सोमा दुखी फलमान सोमा दुखी जब लोगों ने उन चीजों को फरामोश कर दिया भुला दिया जिनकी नसीहत उनको की गई थी फतेह नबुवाब कुल्लिश तो हम उन पर हर चीज के दरवाजे को उंडेल दिया खोल दिया क्या मतलब है अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को फरामोश कर दिए अल्लाह की किताब को फरामश कर बैठे पसे पुष डाल दिए नबी की सुन्नतों को तालीमात को फरामोश कर दिए दिन रात गुनाहों में मुबतला है उसके बावजूद अल्लाह ने क्या कहा फतहना अलैहिम अबवाब अब हमने हर चीज के दरवाजे को उन पर खोल दिया उंडेल दिया अल्लाह की नाफरमानी हो रही है लेकिन अल्लाह है कि उसको और तरक्की दे रहा है अल्लाह का गुनहगार है अल्लाह का नाफरमान है मासीतों में मुबतला है नमाज पढ़ता नहीं है ईमानदार नहीं है म ज्यादती कर रहा है माल छीन रहा हड़प रहा है और हर तरह के गुनाहों में मुबतला है लेकिन अल्लाह ताला उसको और नवाज रहा है उसको तरक्की पे तरक्की दे रहा है उसके माल में बरकत पे बरकत देते जा रहा है तजारत कारोबार में अल्लाह ताला बहुत देर माल कर रहा है उसकी इज्जत में इजाफा हो रहा है उसके अहद और मनसब में इजाफा हो रहा है हर जगह उसकी जय जय हो रही है उसके फतेह और कामरानी की शहरत का मुकाम को छू रहा ऊंचे को छू रहा है तो समझ जाना समझ जाना कि ऐसा इंसान अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला हो चुका है अल्लाह की आजमाइश में दो चार हो चुका है फितनातुल खैर में मुब्तला हो चुका है कि खैर के फितने में ये मुब्तला है अल्लाह के आज़ाब की गिरफ्त में आ चुका है आगे अल्लाह ने क्या फरमाया हत्ता इदा फरीहू بما اوتو यहां तक के जब वो इतराने लगा मगन हो गया इतराने लगा फूलने लगा जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है जो कुछ उसको मिला है उस पर लगा, और उस पे वो फूले नहीं समा रहा है अब अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है आखना अचानक हम उनको पकड़ लेते हैं फायदा हम मुबलिस अब बेरो मददगार होके मायूस होके बैठ जाते हैं ये जो खैर का फितना है अल्लाह की नेमतों का फितना है अल्लाह जब अच्छी हालतों से दो चार करता अच्छी हालतों में रखता है उस वक्त इंसान भाप नहीं पाता है सोचता कि मैं बहुत अच्छा हूँ और दुनिया का हर जालिम हर गुनहगार हर नाफरमान हर फासाचिर यही सोचता है अगर मैं अपनी जगह पर गलत हूं तो अल्लाह मुझे अच्छा रखा है मैं तो दुनियावी एतबार से पैसों से मालामाल हूँ मेरे पास क्या मकाम मकमबा है मेरे पास बंगला गाड़ी है बैंक बैलेंस है आस्तिया है प्रॉपर्टीज हैं, जमीन जायदाद हैं, मेरे पास तो सब चीजों की रेल पेल लगी हुई हैं। अगर मैं अल्लाह की निगाह में मफगोज हूं नापसंदीदा हूं मैं अगर गलत हूं रॉन्ग हूं तो हमारी तरक्की क्यों हो रही है हमारी जीत क्यों हो रही है हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं हमारी तिजारों तो कारोबार में बहुत ज्यादा बरकतें हो रही है हता इधा फरी इधाफरी बीमाऊ तू जो कुछ दिया गया उनको उस पर वो मगन हो जाते हैं गोया कि अल्लाह के आजाब में मुबतला हो चुका है अल्लाह के अजाब इस की गिरफ्त में आ चुका है ये फितनतुल खैर है खैर के फितना में मुबतला हो चुका है अच्छी हालतों के फितने में मुबतला हो चुका है बगता। अब अल्लाह का अजाब अचानक आ जाता है काफिरों के बारे में अल्लाह ताला तरतम नंबर तेईस आयत नंबर पचपन और छप्पन में फरमायाबोान क्या ये लोग ये तस्वुर करते हैं ये कुफ़ार मुश्किन ये नाफरमान ये येम जाबिर इंसान कि हमने उनको जो इजाफा कर दिया है व बनीन माल में औलाद में व नुसारिउ फिल खैरात हर चीज़ की अच्छाइयों में आगे बढ़ा बढ़ा दे रहे हैं हर चीज़ के खैर इनको मिल रहा है खैर ही खैर हर जगह पर इनकी जय जय वाह वाही मुकाम मरतबा तरक्की इन्हीं को सर इनकी इन्हीं के कदम चूम रही है बल्ला ये लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं बल्ला महसूस नहीं कर पा रहे हैं हमने तो उनको फितर में मुब्तला कर दिया कानून इस दो चार कर दिया है अल्लाह तला जुखरूफ में फरमाता है सरा जुखरुफ सरा नंबर तैतालीस आयत नंबर तैतीस से लेकर पैंतीस तक लज्ला

मगन हो जाए उसके बाद हमारा अजाब आ जाए और उनको लपेट में ले ले हजरात शर का फितना हमें समझ में आता है लेकिन खैर के भी फितने के बारे में बहुत सारे लोग इसको ताड़ नहीं पाते समझ नहीं पाते हैं और इस फितने में मुबतला हो जाते हैं अब सवाल पैदा होता है इस फितने से हम बचे कैसे खैर का फितना है खैर का फितना यानी अच्छाइयों का फितना नेमतों का फितना अच्छी हालतों का फितना इस फितने से हम कैसे बच सकते हैं इस फितने से बचने का वाहीद रास्ता है शुक्र शुक्र अल्लाह का शुक्र किया करो शुक्र किसको कहा जाता है शुक्र हम और आप ये सोचते हैं कि शुक्र का मतलब ये होता है कि खूब खा लेना इतना खाएं इतना खाएं कि खाने के बाद जब डकार आए तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह का है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा हुआ नहीं शुरू में मैंने अर्ज किया अल्लाह ने फरमाया कलीलु मिन इबादिया शकूर मेरे शुक्र गुजार बंदे बहुत कम है कलील मा तशकुरून बहुत कम तुम शुक्रिया अदा करते हो क्या मतलब है अल्लाह ने नेमतों का तस्करा करने के बाद बार बार ये कासर रहमान उठाइए अल्लाह ने बार बार कहा अल्लाह की कौन कौन सी नमतों को जिन इंसान तुम झुटलाओगे अल्लाह की बेशुमार नामते हैं वह इनमत सुहा अल्ला अल्लाह की नहमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो कोई इंसान ये कह नहीं सकता अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं है अपने जिसम पे गौर करो सन आया तुना फिला कितनी नेमतें अल्लाह ने दी रखी है जिसम का एक पुरजा एक पार्ट अगर खराब हो जाए कितने लाखों खर्चा करना पड़ता फिर भी वो बात बनती नहीं है अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है तो नेमत जो अल्लाह ने दी रखी है इन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुक्र है शुक्र का क्या मतलब है अल्लाह की दी हुई नमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुक्र है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना रहा है तो नेमतों के फितने से बचना चाहते हैं तो शुक्र अदा किया करो से मुस्लिम की क्या प्यार नबी सरमाया मोमिन की अजीब शान है मोमिन की अजीब शान है इन अम्राहू कुल लहू खैर उसका हर उसके लिए खैर है अगर उसको अच्छाइयाँ मिलती है नेमतों में नेमतें मिलती है शरा उस पर शुक्रिया अदा करता है तकलीफे पहुँचती है सब आरा सब्र करता है दोनों मामला उसके लिए खैर का हुआ तो नेमतों में हम खैर चाहते हैं नेमतों के फितने से महफूज रहना चाहते हैं नेमतों की शुक्रगुजारी हो और शुक्रगुजारी यही है अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल हो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो तो ये कुफ्र हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो तो जाहिर सी बात अल्लाह कैसे पसंद करेगा एक छोटी सी मिसाल है कि दुनियावी एतबार से कोई इंसान आपको कोई चीज़ दिया है और उसने कहा कि देखो ये चीज यहां इस्तेमाल नहीं होना है आप अगर उसके खिलाफ मर्जी के खिलाफ उसकी दी हुई चीजों को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो उसको अच्छा लगेगा नहीं तो ना शुक्रिया और ना कदरी हो रही है तो नमतों को मुन हकीकी के मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया करो यही शुक्र है और यही इस फितने से बचने का वाद रास्ता है कि हम शुक्र करें और शुक्र क्या है अल्लाह जिस हालत पे रखे अल्लाह का शुक्र है नमतों में कसरत से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए नमतें खाओ अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अल्लाह तेरा शक्र है अगर तूने ना दिया होता तो ने अगर तो ना दी होती तो इन चीजों को ना दिया होता अल्लाह हम ना पाए होते अल्लाह की नियमतों पर, अल्लाह की नियमतों पर हर 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 हालत में हर में पोजीशन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो तो हम खैर से महफूज हो सकते हैं अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबरक आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक तो अता फरमाए आमी